नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है क्या छत्तीसगढ़ सरकार साथ देगी दिव्यांग सेवा संघ का। जो फर्जी दिव्यांग जो हमारे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं उनके खिलाफ जो एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, जो संघ है छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ, वो बहुत एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनका साथ छत्तीसगढ़ सरकार देगी या नहीं देगी, आज की इस वीडियो में पूरा पूरा इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे दिव्यांग सेवा संघ का छवि खराब करने के लिए उनके लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को कुछ स्क्रीन के बगल में दिखेगा, आप सभी को दिखाता हूं, इससे आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि हाँ, दिव्यांग सेवा संघ का साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी दे रही है। आप सभी को दिखेगा कार्यालय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वित्त वाणिज्य कर आवास एवं पर्यावरण योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, मतलब ये है हमारे ओपी चौधरी जी के एक प्रकार से उन्हीं का ही विभाग है सारा का सारा। वहां से भूपेंद्र कुमार साहू जी जो कि विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी करवाया है, वो आप सभी को पहले बताता हूं, उसको देखिएगा। इन्होंने क्या है ना, फर्जी गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी में लगे अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड रायपुर से करवाने के संबंध में लेटर लिखा हुआ है। किस किस को लिखा है? कृषि उत्पाद आयुक्त संचालक कृषि इंद्रावती न्याय भवन को, और साथ ही साथ कृषि, यही है कृषि उत्पाद आयुक्त वाला, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, आज नहीं कल 8 तारीख को जो दिव्यांग संघ है, ठीक है, 8 अगस्त को दिव्यांग संघ क्या है, मुख्यमंत्री जी के पास गए हुए थे और उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। वो ज्ञापन में क्या लिखा था वो सारा चीज भी आप सभी को बताऊंगा। ये आप सभी फोटो देख सकते हो जो कि स्क्रीन के बगल में दिख रहा है, और इसका जो टोकन नंबर है, टोकन के नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारा चीज आप सभी को है, देख सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जो जो विभाग के लिए सौंपा है, वो सारा विभाग भी आपको बता देता हूं। प्रति माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, फर्जी गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी में लगे अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड रायपुर से कराने के लिए। कौन कौन से विभाग को दिया है? एक तो वो मुंगेली जिला वाला जो चल रहा है वो है, दूसरा है कृषि विभाग के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर जो फर्जी गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर काम करें उनको लिए दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो उद्यान विभाग के लिए उन्होंने दिया है, और जल संसाधन विभाग के लिए दिया हुआ है, और एक है लोक निर्माण विभाग के लिए दिया हुआ है, और ये है, ठीक है, बाकी कुछ लोगों के नाम पर ही है, तो नाम वाला हम लोग थोड़ा देर बाद आएंगे, ठीक है। ये टोटल 9 पेज का था इनका। अब मेन है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं जो कार्यरत हैं, और एक चीज बता दूं, कुछ लोग जेन्युइन भी हैं जो दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग संघ कभी जेन्युइन लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहता है। एक दिव्यांग संघ के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, बोहित रामचंद्राकर जी, उनका वीडियो क्लिप है, पहले उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य रखूंगा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा अभी तक 147 लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी शिकायत शासन प्रशासन को किया गया है, जिसमें से अभी तक मात्र 3 लोगों ने राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच कराया है, जिसमें से 3 लोग पूरा फर्जी निकले हैं। एक बर्खास्त हो चुकी है, जिसका नाम सुश्री ऋचा दुबे, सहायक संचालक कृषि महासमुंद है। दूसरा है 2 लोग, श्री सत्येन चंदेल व्याख्याता जिला जांजगीर एवं श्री अक्षय सिंह राजपूत व्याख्याता मुंगेली, आज दिनांक तक बर्खास्त नहीं हुआ है। जबकि इस संबंध में संघ के द्वारा 4/12/2023 को जांजगीर एवं मुंगेली जिला के कलेक्टर और डीओ को पत्राचार दिया जा चुका है। मुंगेली जिला के 39 लोगों के नाम फर्जी दिव्यांग होने का लेटर कलेक्टर मुंगेली को दिया गया है, जिसमें से 26 लोगों को संभागीय मेडिकल बोर्ड सिम्स बिलासपुर दिव्यांगता के परीक्षण हेतु भेजा गया था। फर्जी दिव्यांगों के द्वारा हुबहू हमारे संघ के लेटर पेड के जैसा बना करके वास्तविक दिव्यांगों का नाम भी शिकायत किया गया था, जिसमें 2 दृष्टिबाधित शामिल हैं। उक्त दोनों को जांच से रोकने के लिए हमारे संघ के द्वारा पत्र भी हमारे द्वारा किया गया था। मजे की बात यह है कि वास्तविक दृष्टिबाधित दिव्यांग एवं अस्थिबाधित दिव्यांग भाइयों का परीक्षण सिम्स से हो गया है, लेकिन 22 श्रवण बाधित लोगों के फर्जी लोगों के परीक्षण के पूर्व ही
कान जांचने का मशीन ही खराब हो गया है। यह हमको शासन प्रशासन का सोची समझी साजिश लग रहा है। सिम्स अपने कार्यों के चलते ऐसे ही बदनाम हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल मशीन को एक हफ्ता में सुधरवा करके रिपोर्ट देवें, नहीं तो सिम्स के सामने वास्तविक दिव्यांग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। और साथ ही हम बताना चाहते हैं संघ के द्वारा दिनांक 8/8/2024 को सीएम जन दर्शन में फर्जी दिव्यांगों पर कार्यवाही एवं दिव्यांग हित संबंधित आवेदन हमारे संघ के द्वारा अवगत सीएम महोदय को कराए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बोहित जी को सुना, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फर्जी दिव्यांग हैं, नो डाउट, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल जो एम्स है ना, वो भी थोड़ा सा घेरे में आ रहा है कि आप सभी जानते होंगे मैक्सिमम जो है फर्जी दिव्यांग वो कम सुनने वाले ही बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो चेक होता है, जो ऑडियोलॉजिस्ट मतलब जिस मशीन से चेक होता है, ठीक है, आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा न्यूज़पेपर कटिंग, उसमें क्या लिखा है, दिव्यांगता परीक्षण सिम्स में बहरेपन के टेस्ट से पहले मशीन खराब, कब तक बनेगी पता नहीं, ठीक है। तो देखो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहरेपन का जांच करने का मशीन ही खराब हो गया। और अभी ही क्या है, आप सभी जानते होंगे कि जो दिव्यांग संघ है वो बहुत सारे लोगों का नाम दे रहा है, ठीक है, कि इनका जो है यहाँ से चेकिंग किया जाए। जैसे कि आपको स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, दिव्यांगता का प्रकार, ठीक है, या सभी को दिखेगा शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और योजना एवं सांख्यिकी, लोगों का नाम नहीं लूंगा, फिलहाल 26 लोगों का नाम, बाकायदा इनका पूरा को कौन सा दिव्यांगता का प्रकार है, श्रवण बाधित दिव्यांग है सारे के सारे चीज लोग, तो समझिएगा। अब इसमें से मैक्सिमम लोग तो जेन्युइन नहीं है, ये दिव्यांग सेवा संघ का कहना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, दिव्यांग सेवा संघ जो कह रहा है वही आप सभी को बता रहा हूँ। तो क्या है, इनका जांच करा लेना चाहिए, अगर ये ठीक होंगे मतलब वो सच में श्रवण बाधित हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर श्रवण बाधित नहीं है और किसी दूसरे का जॉब खा रहे हैं तो ये एकदम से गलत है, ठीक है। तो एक बार चेक करा लेना चाहिए, और चेक कराने से पहले ही क्या है, आप सभी को पता है वहाँ का जो बहरेपन का जो चेक करता है वो मशीन ही खराब है। और कुछ लोगों के नाम है जो RTI से भी प्राप्त हुए हैं, एक है ये आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा अक्षय सिंह राजपूत, इनका जो RTI से प्राप्त किया गया है जानकारी, ये आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है सेम चीज, एक दूसरे जो दिव्यांग है सत्येंद्र कुमार चंदेल जी, उनके में भी सेम कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी एक का ही पढ़ता हूँ, आप सभी दोनों को मैं उसको एडजस्ट करिएगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार श्री अक्षय सिंह राजपूत का कान नाक गला विभाग द्वारा जांच की गई। श्री अक्षय सिंह राजपूत के कान नाक गला रोग विभाग से प्राप्त समस्त दस्तावेजों के बाह्य रोग विभाग पर्ची एवं ऑडियोलॉजिस्ट इवेल्यूशन BER नंबर ये सब दिया हुआ है कि परीक्षण उपरांत यह पाया गया है कि उनके दोनों कान के पर्दे सामान्य हैं, और ऑडियोलॉजिक इवेल्यूशन के उपरांत यह पाया गया कि दोनों कान की श्रवण शक्ति सामान्य है, ठीक है। अतः भारत का राज्य उपरांत यह पाया गया कि दोनों कान की श्रवण शक्ति क्या है, इनकी सामान्य है, अतः भारत का राजपत्र इन्होंने नंबर लिखा हुआ है के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी में ये नहीं आते हैं एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु ये पात्र नहीं है अक्षय सिंह राजपूत। लेकिन इनके में जो है सत्येंद्र कुमार चंदेल जी में क्या लिखा हुआ है, चूंकि उनके दाहिने कान की श्रवण शक्ति सामान्य है, लेकिन जो एक और कान है उसमें थोड़ा सा ना वो है, थोड़ा ऊपर से पढ़ देता हूँ इनको, निरीक्षण उपरांत यह पाया गया कि उनके दोनों पर्दे के पास रक्त के छीटा, ठीक है, ऑडियोलॉजिकल इवेल्यूशन के उपरांत यह पाया गया कि दाहिने कान की श्रवण शक्ति सामान्य है और बाएं कान की जो श्रवण शक्ति में मॉडरेट हियरिंग लॉस है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हियरिंग लॉस है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं है, थोड़ा सा इनका हियरिंग लॉस है, ठीक है। चूंकि उनके दाहिने कान की श्रवण शक्ति सामान्य है, अतः भारत का जो राजपत्र है उसके अनुसार क्या है, वो दिव्यांग नहीं होंगे, ठीक है। क्या है, अगर आपका 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आप जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर जॉब करने के योग्य नहीं है, ठीक है। एक नाम और है, वो नाम आप भी आप सभी को बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानाधिभवन नया रायपुर अटल नगर, इसका आप सभी जाओगे ना तो एक मैडम है सुश्री ऋचा दुबे जी, ठीक है, को परीक्षाविधीन सहायक संचालक कृषि के पद पर
जो अंतिम नियुक्ति आदेश जारी की गई थी उसके बारे में है। पूरा का पूरा एक मेडिकल टीम का गठन किया गया था, वो सारा का सारा आपको इसमें दिखेगा। उसमें डॉक्टर हंसा बंजारा जी थे, डॉक्टर दुर्गेश गजेंद्र जी थे, डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा लगभग 4 पन्ने का है। मैं उसका जो तीसरे पन्ने में जो लास्ट में लिखा है ना, ठीक है, वही आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अतः उपरोक्त कड़िका 1 से लेकर 11 तक में निहित तथ्यों के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा सुश्री ऋचा दुबे परीक्षाधीन सहायक संचालक कृषि जिला महासमुंद को फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में से सेवा मुक्त करता है, ठीक है। मतलब ये जो थे दुबे जी, ऋचा दुबे जी, ये जॉब में थी, लेकिन इनका क्या किया गया है, इनका जो बोर्ड में चेक भी हुआ और उसके बाद फिर इनको क्या किया गया है, इनका जो इनके में भी थोड़ा सा था दिव्यांगता, ठीक है, लेकिन वो जो नियम है उस नियम को ये फुलफिल नहीं करती थी, तो इसलिए क्या किया गया है, बाकायदा गवर्नमेंट ने इनको जॉब से निकाल भी दिया है। लेकिन बाकी जो दो लोग हैं जिनका सब कुछ चेक हो चुका है लेकिन उनको अभी तक जॉब में नहीं रखा गया है, तो दिव्यांग सेवा संघ यही चाहता है कि उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए जॉब से, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे लोगों का दिव्यांगता का जाँच होना है, तो जो जो लोग हैं वो जा करके जाँच करवा लें। और इन लोग अच्छा खासा प्रेशर भी बना रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का भी इनको साथ मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़, अगर जिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ पैसा दे करके गलत तरीके से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था, तो वो खुद से ही विड्रॉ कर सकते हो अगर चाहो तो। ये क्या है झंझट में पड़ना, उससे अच्छा आप थोड़ा दिन बाद बेइज्जती से होकर निकलने से अच्छा आप खुद से अपनी इच्छा से जॉब छोड़ दो, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बाकी छत्तीसगढ़ में जो दिव्यांग सेवा संघ है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना है, जो भी फर्जी दिव्यांग अगर आपको लगते हैं कि कोई आपको आपकी नज़र में है, तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप सभी बता सकते हो, ठीक है, कि फलाने फलाने जो फर्जी दिव्यांग है वो कार्यरत है करके। और अगर आपको ये जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो का अगर PDF चाहिए होगा तो मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उससे आप सभी जुड़ करके उस PDF को भी प्राप्त कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियां आई हुई हैं, वो धीरे धीरे हम सभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।